दिल्ली के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, विवाहिता पल्लवी गुप्ता को लेकर एक शिष्टमंडल डीसी सांबा और एसएसपी सांबा के साथ मिला। पल्लवी गुप्ता के माता पिता और उनके परिवार के लोगों ने एसएसपी सांबा के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए कहा कि पल्लवी गुप्ता को इंसाफ मिलना चाहिए। प्रदर्शन के बाद परिवार के लोग एसएसपी सांबा से मिले और उन्होंने उन्हें बताया कि सिट की जो टीम बनाई गई है उसमें से कुछ ऑफिसर्स पर उन्हें शक है कि वो अभिषेक बड़ियाल के साथ तालुक रखते हैं। उन्होंने सिट टीम में कुछ ऑफिसर्स को चेंज करने की अपील की। साहब से बात हुई, वी आर फुली सेटिस्फाइड विद एसएसपी सांबा, और जो दो बंदे थे सिट में वो निकालने की जो बात थी वो भी उन्होंने बात हमारी मान ली है, और हमें पूरा भरोसा है और जिस तरह से आप लोगों का साथ मिल रहा है पल्लवी के साथ इंसाफ होगा और मेरे को लगता है कि अगर पल्लवी के साथ इंसाफ होगा, पुलिस सही ढंग से काम कर रही है और आगे करेगी, हम ये चाहते हैं कि हमारी और कोई बेटी ना जाए और पल्लवी को इंसाफ मिलेगा, आपके माध्यम से मिलेगा, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वहीं से मिलेगा, और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, जो काज ऑफ डेथ है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। जैसे एसएसपी साहब का कहना था कि 5 बंदे उन्होंने उठा लिए वो अरेस्ट हैं, और जो 1-2 बंदे और हैं वो भी उठा लेंगे, हमें पूरा भरोसा है। और वही द्वारा आपके चैनल के माध्यम से और आपसे यही अपील करते हैं कि पल्लवी को इंसाफ दिलाने के लिए हमारी हेल्प करिए। सर, सिट में किन किन अफसरों को नहीं चाहते हैं? उसमें 2 ऑफिसर हैं, जिसमें एक जसोटिया है और एक शायद सुपवाल का जो चौकी ऑफिसर है करनैल सिंह, उनको वो नहीं चाहते हैं। तो ठीक है, वो एसएसपी साहब ने हमारी बात को मान लिया है। ऐसा क्यों नौबत आई कि आप वो चेंज करवाना चाहते हैं, क्यों शक के दायरे में? देखो, बेसिकली जो उनकी फैमिली मेंबर है उनके साथ उनका उठना बैठना था, खाना पीना था। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप बात को समझ गए होंगे, और फेसबुक पे बहुत सारे जो फोटो है उन्होंने अपने फेसबुक आईडी पे शेयर किए थे, और कहीं ना कहीं परिवार के लोगों को ये शक जा रहा था कि शायद ये जो 2 ऑफिसर हैं, ये उनके दोस्त हैं, ये इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ी कर सकते हैं। और इनका कहना ये भी है कि ये जो SHO की गाड़ी थी वो अक्सर वो अपने पर्सनल काम के लिए वो अभिषेक बड़ियाल जो यूज़ करता था, इनका परिवार का कहना है। तो इस तरह से इनका जो शक है वो जायज है। पल्लवी गुप्ता को SSP साहब ने पूरा विश्वास दिया है और बहुत काबिले तारीफ ऑफिसर है, और मेरा पूरा विश्वास है SSP साहब का, पर के जो मेरी रमेश गुप्ता की बेटी नहीं है, ये पूरे देश की बेटी, और मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, और मुझे पूरा विश्वास है SSP साहब पर। SSP ने क्या कहा इस पूरे केस को लेकर? SIT बिठा दी है और इंक्वायरी हो रही है, जिसमें जल्दी से जल्दी 6 के 6 बंदे उठाए जाएंगे, और उसके बाद जो भी तत्व आएंगे और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद हम देखेंगे। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का वो मैंने बताया है, मैंने CMO को फोन किया, उसने फोन भी उठाया तो कहीं गया हुआ है, कोविड गया है, ड्राई रन चल रहा है वैक्सीन का रामगढ़ में, तो वो मुझे कॉल करेगा, मैं पता करके तो बता दूंगा राजीव जी को कि उसने मुझे क्या बताया कि कब तक रिपोर्ट आ जाएगी।